बात उन दिनों की है जब वी शांताराम पुणे में प्रभात स्टूडियो की स्थापना कर चुके थे और उनके निर्देशन में बनी प्रभात फिल्म्स की कुछ फिल्में जैसे अमृत मंथन, धर्मात्मा और अमर ज्योति अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ चुकी थी। इन तीनों फिल्मों में लीड रोल करने के बाद ब्लू आइड बॉय चंद्रमोहन की छवि एक सक्सेसफुल सुपरहिट हीरो के रूप में होने लगी थी और मार्केट में उनकी फीस भी उनके स्टेटस के मुताबिक बढ़ गई थी। यहां आपको याद दिला दूं कि 1934 में रिलीज हुई अमृत मंथन चंद्रमोहन की डेब्यू फिल्म थी और इसमें उन्हें पहला ब्रेक देने का श्रेय भी वी शांताराम को ही जाता था। इसलिए अमर ज्योति के बाद वी शांताराम ने जब उन्हें अगली फिल्म में हीरो लेने के लिए सोचा तो वो खुशी से तैयार तो हो गए, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट सामने आया तो उसमें चंद्रमोहन की फीस वही लिखी थी जो उन्हें उनकी पिछली फिल्मों में मिली थी। चंद्रमोहन ने वी शांताराम से कहा कि आजकल मार्केट में उनका रेट बढ़ गया है, इसलिए उतनी नहीं तो कम से कम पहले वाली फीस में ही कुछ इंक्रीमेंट कर दो, बढ़ोतरी कर दें। यह सुनना था कि वी शांताराम भड़क उठे और बोले, किसी भी कलाकार के लिए उनकी फिल्म में काम करना गौरव और सम्मान की बात है, इसलिए पैसे तो तुम्हें उतने ही मिलेंगे। चंद्रमोहन ने यह सुना तो विनम्रतापूर्वक फिल्म साइन करने से इनकार कर दिया। वी शांताराम को यह अच्छा नहीं लगा और वो चुनौती देते हुए बोले, अगर मैं एक चंद्रमोहन पैदा कर सकता हूं तो दूसरा भी कर सकता हूं। इस वाद विवाद में अब तक चंद्रमोहन का धीरज भी टूट गया था, इसलिए उन्होंने भी करारा जवाब दे डाला। बोले, माफ कीजिए, ऐसी कोशिश मेरे बाप ने भी की थी कि वो दूसरा चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे, लेकिन चंद्रमोहन की जगह पैदा हो गया ब्रजमोहन। एक कोशिश वी शांताराम जी आप भी करके देख लें। और इसके बाद चंद्रमोहन ने सोहराब मोदी से लेकर महबूब खान, विजय भट्ट आदि कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन अपने मेंटर वी शांताराम से उनका फिल्मी नाता एक झटके में इस घटना के बाद टूट गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।